सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय बता दूं हम कड़े हैं कोट कपूरा में मौजूद है, जो कि बठिंडा से अगला स्टेशन है, अगला शहर है कोट कपूरा, पंजाब का यो शहर है कोट कपूरा। तो इसमें हम मौजूद है और आप तो अनोखी अनोखी चीज़ अलग अलग डाल की दिखाते रहे हैं, और आज फिर एक नई चीज़ आपने अनोखी तरह की दिखावेंगे, उड़ावनी पंखी। उड़ावनी पंखी तो शायद आप ना समझो कि वो पहले हमारा है, मतलब हरियाणा में भी पंजाब में भी सारे का है, जो दादी ताई होया करती वे के करया करती, छाज में गाल कर गेहूँ वाने पे छोड़या करती, या फिर ऊपर तक मतलब जाने बरसाया करती, वो जो वो होया करता उसका अड़ंगा होया करता, वो न्यारा हो जाया करता, और जो मेन चीज़ होया करती जो गेहूँ होते सरसों होती वो अलग हो जाया करती। तो ये उसका एक वर्जन आ गया है, पहले आता था परेशान रहा करते ही मशीन आ गई है, तो उसका नाम है उड़ावनी पंखी। यार हम जरा पहुँच रहे एक बारी वो नाम आपने बता दे हैं, ये आपने दिखता भी होगा छिबर एग्री इक्विपमेंट, तो मतलब ये आप देख सको हो, और एक बारी है ना ये आप दिख लाग रहे हो, आपने दिख लाग रही है जो चाकी है उड़ावनी पंखी के नाम तो है, तो ये मतलब एक बारी देख लो आप बढ़िया तरिया। फिर यहाँ पे पूछे भी गए क्यूकरिया काम करा है कि इसका काम है, तो मतलब छाज वाले काम ही भी है, मशीन करने लगी उड़ावनी पंखी करने लगी, तो ये दो अलग अलग आपने दिखने लग रही होगी और दोनों अलग अलग डाल का काम करा है। एक बार हम यहाँ के जो मालिक है उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से ये काम करा है। तो सर सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी, नमस्कार मेरे भाइयों। तो सर अपना नाम बता दीजिए एक बार। दोस्तों मेरा नाम है राहुल छिब्बर, मैं और मेरे छोटे भाई साहब पादुल जी, हम दोनों पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोट कपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे। हम दोनों भाई पिछले लगभग 40 सालों से ये कंपनी चला रहे हैं, पहले हमारे पिताजी ये कंपनी चलाते थे, उसके बाद ये कंपनी हम दोनों भाई मिलकर चला रहे हैं। तो सर जो ये नई नई आप चीज लेके आओ हो, ये मैंने देखी है उड़ावनी पंखी के नाम से इनका नाम है, तो पहले हमने पता है कि मतलब हम भी देखा करते अपने ताई और चाची और जो छाजी लेप छोड़िया करती, तो ये भी नया सिस्टम आ गया इसमें। बिल्कुल मैम, ये जैसे पहले जैसे कि आपने बताया जो पहले छज से काम होता था, ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, क्योंकि उसमें एक तो लेबर बहुत लगती है, समय की वेस्टेज होती है, टाइम लगता है, जिससे हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ये जो हमने मशीन्स तैयार की हैं इनसे इसी हिसाब से हमने तैयार किया है कि आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी इन मशीन से। मतलब आपने बता दूं काम ज़्यादा और समय कम, और मतलब आदमिया की भी खपत कम है, तो ये एक बारी न्यू पूछेंगे सारी चीज़ क्यों करियो काम करें। सर एक बारी हमारे दर्शकों ने न्यू बता दो मतलब ये काम क्यों कर रहे हैं। जी आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा विनोवल फैन है, जिसको हम सीड या ग्रेन क्लीनिंग मशीन के नाम पे कहा जाता है, इसको हिंदी में अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो उड़ावनी पंखा इसका नाम है। इसमें ये जो हॉपर है, यहाँ पे हमने बीज या दाना, किसी भी किस्म का अनाज है, बीज है, दाना है, वो अपने साफ करना है वो होगा, इसको हम मैनुअली भी चला सकते हैं और बिजली से भी चला सकते हैं, ये 2-in-1 काम करेगी। अगर किसी किसान भाई के पास बिजली की सुविधा नहीं है या लाइट चली गई, तो आप इसको मैनुअली भी अपडेट कर सकते हो। मतलब एक सिंपल भाषा में बता दूं, हम हाथ के लिए भी काम कर, लाइट बाजी रहो जाए रहो कोई मतलब नहीं है, हाथ के लिए भी काम कर सके हैं और बिजली के लिए भी। तो सर एक बारी दो तरह की अलग अलग दिखने लग रही, मैंने एक यह है एक यह है, तो मैंने तो देखो बेरा कोने आके मतलब यह के काम करा है या के काम करा है, तो आपने बना रखी है आपकी कंपनी में बना है तो आपने बेरा होगा, तो एक बारी सारी बता दो हमारे दर्शकों ने क्यों कर ये काम करा है। मैम सबसे पहले जिसके बारे में मैंने आपको बताया ये विनोवर फैन है, इसका काम है दाने को साफ करने का। जब हम इसमें बीज या दाना डालेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, तो एक साइड से आप देख सकते हैं आगे वाले जो ये यहाँ से इसकी धूड़ मिट्टी है या जो इम्प्योरिटीज है वो बाहर आएंगी, यहाँ से धूड़ मिट्टी बाहर आएगी, और आगे वाली साइड पे भी एक आउटलेट है और पीछे से भी एक आउटलेट है, तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से इसके दाने बाहर आएंगे, जो साफ किया हुआ दाना है वो एक साइड आ जाएगा और धूड़ मिट्टी कंकर है वो एक साइड पे अलग हो जाएगा। तो राहुल सर ऐसे काम नहीं चलेगा इसमें, मतलब जो सीड्स हुए हैं जो दाने वो डाल कर और चला के दिखा दो एक बार। बिल्कुल मैम, मैं आपको इन दोनों मॉडल्स का अभी मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। दिखाओ सर। तो एक बार लाइव डेमो देखेंगे सर से। सर मंगवाओ जो भी इसमें गेहूं गेहूं डालने हैं, तो ये देखियो जो मतलब चाकी है चाकी के भीतर डाल देंगे, इसने डाल के दिखाओ जी फटाफट ऊपर डाला करा। ओहो ये मक्की डाल दी सर जी, ये मक्की डाल दी गई है इसमें, तो न्यू दिखाऊंगे काम क्यों कर रहा है। अब सर जो इसका वो एक्स्ट्रा फैट था जो भी निकला है वो कड़े के निकलेगा साइड में, आगे से इसकी धूड़ मिट्टी आगे वाली साइड आ रही है, साफ दाने एक साइड पे आ रहे हैं और उस साइड पे जो इसके बेकार दाने हैं जो वेस्टेज है भारी इम्प्योरिटीज है वो उस साइड पे आ रही है। सर ये बिजली पे काम करना गया है, ये अभी बिजली पे हमने चलाया है, अगर इसी को मैनुअल चलाना है तो ये हैंडल दिया गया है, हैंडल से आप मैनुअली भी चला सकते हैं। एक बार हमारे दर्शकों ने दिखा दे, एक बार देखो किस प्रकार तड़ंगा फेंकने लग रहा है, देखो वो सारा जो एक्स्ट्रा था सारा बगा दिया इसने बाहर,
और जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना, जो प्योर है, वो आड़े काट दी है, बढ़िया बढ़िया प्योर चीज, मतलब साफ मका है बिल्कुल कती। सर यूँ बताओ काम के कितनी आड़ में कितने यहाँ अनाज ने साफ करते हैं? मैम अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो एक घंटे का 6 से लेकर 7 क्विंटल की इसकी आउटपुट कैपेसिटी है। सर जो बिजली भी चल रहे हो, अगर बिजली की बात करें तो इसमें हमने आधे HP की मोटर लगाई है, ये एक घंटे का एक यूनिट से भी कम बिजली कंज्यूम करेगी ये, क्योंकि सर वो भी जरूर नहीं है, बिल्कुल बिजली भी बड़ी महंगी हो रही है। तो ये एक घंटे की एक यूनिट से कम बिजली कंज्यूम करेगी और 6 से लेकर 7 क्विंटल एक घंटे में ये अनाज या बीज साफ करेगा। जी अभी जैसे मैंने आपको बताया इसमें एक तरफ इसका साफ दाना आ गया है और एक तरफ खराब आ गया है। जी और इसी में अगर जो कस्टमर कहते हैं कि अब हमने इस दाने को आगे ग्रेडिंग करना है तो उसके लिए हमारे पास अलग मॉडल है। सर पहले है ना वो मॉडल ना भी देखेंगे, लेकिन एक हाथ और दिखा दो भी मेरा पटक जाएगा कितनी आड़ में कितना कर दे आते भी, तो एक बार हाथ और दिखाऊंगे जल्दी से देख लिया कि ऊपर काम कर रहा आता है। अच्छा अच्छा आता भी पूरी जल्दी काम कर रहा है, तो आप देख सको एक बार आता भी मतलब पूरी स्पीड तक काम कर रहा है। अरे एक बार छोड़िए छोड़िए एक बार हल्का है आता भी सर, मतलब ज़्यादा इसमें आंगा पति नहीं लगता है, हल्का हल्का चल रहा है, बालक भी यूज कर सकता है इसमें, मतलब सर मैंने चला के देखे आयो जी, तो मतलब बालक भी आराम से फिरा सकते हैं, बहुत आसानी से चला सकते हैं मैम, कोई भी बहुत आसानी से, इवन कि घर पे बच्चे हैं लेडीज हैं हर कोई इसको आसानी से चला सकता है। चला के देखे कति जी चल रहा है, मतलब बालक तो खेल खेल में कर देंगे इसने, बिल्कुल मैम। तो सर यो तो हो गया, यो ये क्या और है इसका के काम रहा है? मैम ये जैसे आपको बताया ये दानों को सफाई करता है, ये इसके बाद मॉडल आ जाता है, ये दानों की सफाई तो होगी ही होगी, साथ में ये ग्रेडिंग भी करेगा। इसमें आप आगे की तरफ देख सकते हैं ये छन्ना लगा हुआ है, जब दाना साफ होकर इस छन्ने पे आएगा तो इससे उसकी ग्रेडिंग होगी, साफ दाना एक साइड पे आएगा, टूटा दाना अलग आ जाएगा। ग्रेडिंग बता दूं मैं एक बार हमारे दर्शकों ने सीधी और सिंपल भाषा में, जो मोटे दाने हो वो एक कन लकड़ जाएंगे, जो टूटे फूटे दाने हो वो एक कन लकड़ का आ जाएंगे, मतलब बढ़िया बढ़िया अनाज एक कन आ जाएगा, टूटे फूटे अनाज एक कन रह जाएगा, नहीं हुआ ना सर? बिल्कुल मैम यही चीज है जी। तो एक बार सर इसने और चला कर दिखाओ। हाँ, इसका भी अभी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, तो इसने भी देखेंगे कि यह क्यों काम कर रहा है। सर इसमें मैंने सारा सिस्टम लगा था तो कौन लगता है सिस्टम? नहीं, इसमें हाथ वाला नहीं है मैम, इसमें दो मोटर लगी होती है, आधे HP की लगी होती है पंखे के लिए और आधे HP की लगी हुई है नीचे जो वाइब्रेटर लगा हुआ है जो छन्ने का काम करेगा। तो सर यह कितनी बिजली खा ले है? ये घंटे की 1.5 यूनिट कंज्यूम करेगा मैम। अच्छा, और जो काम करेगी मतलब कितनी देर में कितना प्रोडक्शन इसकी भी वही आएगी, 6 से लेकर 7 क्विंटल प्रति घंटे की प्रोडक्शन इसकी भी निकलेगी मैम। तो सर एक बार दिखा दो क्यों कर बढ़िया दाने ने एक उड़ान काट दे है, खराब ने एक उड़ान काट दे है। आइए मैं आपको इसका लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। देखो आपने देखे होंगे हम चावल कटवाओं घर में, तो चावल काटनी है टूटे फूटे भी काट दे और उसमें साफते दाने भी हुए हैं, तो यह वो काम कर रहा है। अगर किसी का बड़ा काम है वो है तो इसमें मतलब चावल गाल लो चाहे कुछ भी गालो, तो मतलब चावल के जो साफते दाने हैं वे एक उड़ान चले जाएंगे और जो टूटे फूटे दाने हैं वे एक उड़ान चले जाएंगे। तो साफते चावल के तो हम नमकीन चावल भी बना सकते खिलमा खिलमा, और जो टूटे फूटे हुए खीर में काम आ जाएंगे ना खिचड़ी में काम आ जाएंगे, तो एक बार इसका भी काम देखेंगे। ये 3 डालड़ी दर्दी हाड़ा, एक या दर्दी एक या दर्दी, ये 3 के काम कर रहे हैं सर, 3 नाम के क्या होगा? मैम जैसे पहले में हमने अकेले जो दाने साफ हुए थे, अब ये जो दाने निकलेंगे 3 अलग अलग किस्म के दाने इसमें आपके सामने हैं जी, टूटे हुए दाने अलग निकालेगा, बिल्कुल साफ अलग निकालेगा और जो भारी दाने हैं उनको एक साइड पे करेगा। डाल दे ये देखेंगे करिश्मा यो गाल दी इसमें मक्की, तो ये सब तो ऊपर सर मोटे दाने आ गए। हाँ, अभी आप देखना मैम इसमें अभी जो साफ दाने हैं वो लगाने शुरू हो जाएंगे। हाँ। धूल मिट्टी पीछे की साइड पे जानी शुरू हो जाएगी और जो इम्प्योरिटीज हैं वो लग जैसे कि पहले से आ रही हैं वो आ रही हैं। अब जैसे मक्की है इसमें कोई टूटा दाना नहीं है तो वो अलग नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर टूटे दाने होंगे तो वो अलग से आने शुरू हो जाएंगे। ये देखो एक बार इसमें मतलब यो भी काम करा, जो अड़ंगा है वो अड़ी का जाए बाहर निकलकर, यहाँ से इम्प्योरिटी एक साइड आ रही है, जो हल्की धूल मिट्टी है वो पीछे से अलग बाहर हो जाएगी। तो एक बार दिखाई आकर ये देखो अड़े जो धूल मिट्टी है वो लकड़िया और जो बाकी के अड़ंगा है वो इसमें लग रहा है, बाकी जो खराब अड़ंगा है और वो आपने दिख लग रहे हैं कि उड़े का है। तो ये मतलब मोटा दाना मक्की का तो इसमें तो अलग होगा है नहीं आता, अगर छोटा दाना होता तो इसमें तो अलग होगा। तो सारी आप ध्यान से देखिए ये जो बिल्कुल हल्की इम्प्योरिटीज है वो ये बीच में से आ रही है, तो इसको जो ये सामान निकलेगा आप इसको पैकेट में पैक करके आगे मॉल में बेचने के लिए बिल्कुल रेडी सामान है आपका, बिल्कुल साफ सुथरा जी। तो एक बार सर बंद करवाओ इसमें।
राहुल सर या तो काम की बात होगी, इन्हें दाने भी करके दिखा दिए क्यों कर या नहरे कर है, क्यों कर जाड़ा है, तो बात करा गांधी की मतलब पैसे की, बिल्कुल क्योंकि उसके बिना कोई काम होता नहीं है, तो इनकी क्या कीमत होगी? मैम अगर जैसे कि कीमत की बात आपने पूछी है, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप सभी को पता है, हमने छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स ने अपने किसी भी प्रोडक्ट की कीमत हमने नहीं बढ़ाई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो GST बढ़ा है, उसी के हिसाब से हमने अकेला GST इसमें बढ़ाया है, और इसमें हमने अपने प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ाई है। जो ये विनोवल फैन है, जिसको उड़ावनी पंखा कहते हैं, इसकी कीमत हमने रखी है 21,000 रुपया। सिर्फ 21,000 में आपके घर तक पहुँच हम देंगे, आपको अलग से कोई ट्रांसपोर्टेशन कोई GST नहीं देना है, सब बीच में ही आपके घर तक हम डिलीवरी के साथ में 21,000 में ये प्रोडक्ट आपके घर तक हम पहुंचा के देंगे। तो सर 21,000 की अगर बात करें तो 21,000 घर पे जाने के बाद देने हैं या पहले देने हैं? नहीं मैम, जब भी आपने बुकिंग करनी है, जैसे मेरे भाई ने बुकिंग करनी है, तो इस प्रोडक्ट के लिए आपको 4,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस डालना है, अपना नाम पता लिखवाना है, हम यहाँ से प्रोडक्ट प्रॉपर पैक करके आपके दिए गए पते पे भेजेंगे। जब प्रोडक्ट आपका लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, आपको बकाया राशि हमारे खाते में जमा करवानी है, उसके बाद कोरियर वाले आपके घर पे मशीन सही सलामत आपके घर पे डिलीवरी के साथ देके जाएंगे। तो सर इसकी बात करें तो ये 21,000 की होगी अरिया। और मैम विनोवल के बाद अगर हम बात करें विनोवल कम ग्रेडर की, जो आगे ग्रेडिंग भी करता है, इसकी कीमत हमने रखी है 34,000 रुपया। 34,000 में आपके घर तक पहुँच के साथ हम ये प्रोडक्ट देंगे। सर 34,000 में रखिए, लेकिन डिस्काउंट भी तो होगा। मैं चलो, आपने कहा है डिस्काउंट की बात, तो मैं आज आपके वीडियो के माध्यम से ये वादा करता हूँ कि जो भी मुझे दर्शक या किसान भाई मुझे आपके इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा, विनोवल कम ग्रेटर के साथ में ये एक जो स्पेशल जाली आती है, एक जाली तो बीच में लगी रहेगी, एक ये जाली अलग से, जो भी मुझे आपके चैनल का स्क्रीनशॉट भेजेगा ऑर्डर देते वक्त, उसको मैं एक स्पेशल जाली अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में। यह जाली क्या काम करेगी? ये जाली काम करेगी बारीक अनाज के लिए, जैसे गेहूं के लिए, मस्टर्ड का बीज आपने करना है, तिलों को साफ करना है, उसके लिए ये जाली काम में आएगी। कितना लगेगी सर ये जाली? ये नट खोल के इसकी जगह ये जाली फिट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मोटी गेहूं मोटी दाने खातर। अच्छा सर देखो, यह बात होगी पीछे की बात होगी, डिस्काउंट की होगी, दाने वो करण की होगी, तो भी एक चीज और बता दो सर। एक तो नहीं बता दो, मन कर लेके जा किसान तड़का फिर खराब हो जाए। मैम छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स जाना जाता है कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए। मैं एक और वादा करता हूं कि जो ये मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं अपने किसान भाइयों को, इन पे मैं 12 महीने यानी कि 1 साल की वारंटी दूंगा। 1 साल तक अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपकी सेवा में हर टाइम उपस्थित रहेंगे। तो सर सर्विस क्यों कर दी जाएगी इनकी? मैम इनमें खराब होने वाली कोई चीज़ नहीं है, अकेली टाइम डाल के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिक्कत आएगी जाली में, तो मैं पहले ही एक जाली आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम। अच्छा, सर मान लो कोई पार्ट खराब भी हो जाए इसका तो आसपास मिल जाएगा? मैम बिल्कुल, इसमें कोई आप ध्यान से देखेंगे इसमें कोई पार्ट खराब होने वाला है ही नहीं है। अगर बाई चांस 2-3 साल बाद जाके भी कस्टमर को कोई पार्ट चाहिए हो, जैसे कि इसकी मोटर है, रेगुलेटर है, कोई भी पार्ट चाहिए हो, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे हमें उस पार्ट की फोटो भेजें, हम यहाँ से उसकी कीमत बता के पार्ट उनको कोरियर करवा देंगे। अच्छा सर ठीक है, ये तो बात बढ़िया होगी, आप सही वो कर रहे हो, लेकिन एक बार प्रॉपर लोकेशन है जो इस जगह की वह बता दो हमारे दर्शकों ने। मैम लोकेशन बताता हूँ, उससे पहले मैं जो ये विनोवल कम ग्रेडर है, इसकी कीमत जैसे मैंने 34,000 बताई है, इसको मंगवाने के लिए आपको 5,000 एडवांस देना है। मैं दोनों की दोबारा कीमत बता देता हूँ, विनोवल के लिए आपको 4,000 एडवांस देना है और विनोवल कम ग्रेडर के लिए आपको 5,000 एडवांस देना है। अगर आप डायरेक्टली हमारी कंपनी विजिट करना चाहते हैं, बाय कार, बाय बस या बाय ट्रेन, कहीं से भी आप आना चाहते हैं, तो पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है। आपको स्क्रीन पे हमारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मेरे छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706, और मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। मैं दोबारा बोलता हूँ, 9852519706 और 9812-31007। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है chibbaragri.com के नाम पे, हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब पे चैनल है। आप जब भी हमें ये वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, विनोवल कम ग्रेडर के साथ मैं आपको एक जाली दोबारा फ्री में दूंगा। अच्छा सर ये तो हो गया, पर एक बार दीवार ये हो जाए ना, किसान भाई है जो फ़ोन करे, जहाँ आपका फ़ोन बिजी हो या फिर पारुल सर का भी बिजी हो, तो फिर? मैम इसके लिए मैं बताता हूँ, जब भी आपने हमें कॉल करनी है, अगर किसी कारणवश हमारा कॉल बिजी है, तो आप घबराइए नहीं, हमारी कंपनी का जो टेलीकॉलिंग स्टाफ है वो आपको कॉल बैक करेगा, या आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आपका व्हाट्सएप मैसेज आएगा तो ऑटोमेटिकली 10-15 मिनट के बाद हमारा टेलीकॉलिंग स्टाफ आपको कॉल बैक कर लेगा। तो
मतलब किसी प्रकार की समस्या नहीं है, हर प्रकार की मतलब यहाँ पे सुविधा किसान भाइयों को दी जाएगी, कॉल बैक भी करी जाएगी और आके विजिट भी कर सको हो, देख भी सको हो, अगर वीडियो कॉल पे देखना चाहो तो वीडियो कॉल पे बात कर सको है सर। बिल्कुल मैम, अगर हमारे साथ आप वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं ऑर्डर देते वक्त, मैं दोबारा कहूंगा कि जब भी हमारा कोई एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करे, आप उन्हें कहिए कि मेरी राहुल से या पारुल जी से वीडियो कॉल पे बात करवाए, और वीडियो कॉल पे बात करने के बाद ही हमारा ऑर्डर प्लेस किया जाए। और एडवांस में इसके 4,000 देने पड़े हैं, इसके 5,000 देने पड़े हैं, तो मतलब यह थारे घर आती पहुँच जाएगी, घर तक पहुँचने से पहले थारा जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है उसके तुमने पहले पेमेंट पूरी जमा करवानी पड़ेगी और बाद में थारे घर ऑर्डर भाई पहुँच जाएगी। बिल्कुल सर, तो स्क्रीन पर नंबर भी दे दिया गया है, राहुल सरकार पारुल सरकार, तो आप देखियो यू है ना, मतलब कि है एक स्मार्ट वर्क आ गया है। पहले बहुत दुखी होया करते, घना टाइम लग गया करता, मेहनत भी ज़्यादा होया करती, तो इब मेहनत कम टाइम भी कम लग गया है तो काम भी बढ़िया हो गया है। तो किसी लग गया चाकी चाकी है तो एक प्रकार तो उडावनी पंखी कह दे हैं चाकी है जिसी दिखा मन्नत है, बाकी तुमने के लग गया देख लियो, तो इसका नाम है उडावनी पंखी। अरे उडावनी पंखी किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइयो, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि लोग दुखी ना हो आथा गिल्ला इस अपना काम कर ले। फिर मिलेंगे, जय हिंद।